इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा पांच ऐसे स्टार्टअप आइडिया जो मुझे लगता है 2021 के लिए परफेक्ट है दो में दोस्तों हिंदुस्तान के स्टार्टअप सीम पर धमाका हुआ बहुत सारे यूनिकॉन्स आए बहुत सारे स्टार्टअप्स ने लॉन्च किया बहुत सारा सक्सेस देखने को मिला और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2021 हजार इक्कीस उससे भी बेहतर एक साल होने वाला है ना सिर्फ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स लेकिन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो लॉन्च होंगे वो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे स्टार्टअप आइडियाज में से कौन सा स्टार्टअप आइडिया चूज किया जाए जिसपे काम कर सकते हैं और इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे पांच ऐसे स्टार्टअप आइडिया शेयर करूंगा जो मुझे लगता है 2021 के लिए परफेक्ट है स्टार्टअप आइडिया नंबर वन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एट टेक एजुकेशन दोस्तों 2020 में ट्रांसफॉर्म हुआ क्यों क्योंकि पैंडमिक लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस नहीं जा सकते थे ट्यूशन सेंटर्स सारे बंद हो गए सारे ट्रेनिंग सेंटर्स बंद हो गए सो एवरीथिंग मूव्ड ऑनलाइन एंड मैन एवरीथिंग मूव्ड ऑनलाइन पीपल रियलाइज कि इसका पोटेंशल कितना ज़्यादा है क्योंकि अब दुनिया का बेस्ट टीचर बेस्ट प्रोफेसर को किसी जगह पर होने की जरूरत नहीं थी वो अपने घर बैठे लोगों को बच्चों को पढ़ा सकते थे वेदर इट्स म्यूजिक इट्स डांस इट्स पोएट्री इट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इट्स फिटनेस लैंग्वेजेस इतने सारे तरीके के कोर्सेज बने एजुकेटर्स बाहर आए और स्टूडेंट्स ने रियलाइज किया कितना कुछ पॉसिबल था दो हजार बीस में एंड आई फील अगर दो हजार इक्कीस में आप एक स्टार्टअप आइडिया सोच रहे हैं या उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं तो एड टेक इज अ ब्रिलियंट प्लेस टू स्टार्ट आप स्कूल कॉलेज पे फोकस मत करिए क्योंकि वो टेक्निकल हो जाता है दे आर लॉड ऑफ गुड प्लेयर्स दर आर ऑलरेडी फोकस ऑन स्किलिंग स्किलिंग जो कि दो से तीन तरीके की हो सकती है एक उन लोगों की स्किलिंग जो अपने कॉलेज में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए या ज्यादा अच्छे कॉलेज ना जा पाए एंड उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे वो एम्प्लॉयबल बन सके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेस पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट कोर्सेस सेल्स ट्रेनिंग मार्केटिंग ट्रेनिंग हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली ये सारी चीज़ें जो जॉब स्किलिंग के लिए ज़रूरी that's नंबर 1 नंबर 2 personality development of सॉफ्ट स्किलिंग हर एक इंसान जो काम कर रहा है उन्हें पता है कि एक लीडर बनने के लिए एक मैनेजर बनने के लिए बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी में जो ज़रूरी है

पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर लाइफ इट कुड बी हॉबी बेस्ड लर्निंग इट कुड बी एंटरटेनमेंट बेस्ड लर्निंग हाल ही में फॉर इंस्टेंस मैंने एक कोर्स खरीदा विच वॉज बिस्वा एक कमेडियन है उन्होंने एक कोर्स बनाया है ऑन स्टैंड अप कॉमेडी अब इस कोर्स को लेके मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी ऐसा मेरे पे कोई सर्टिफिकेट नहीं आ जाएगा जिससे मुझे कोई नौकरी मिलेगी बट इट्स रिक्रिएशनल लर्निंग एंड दैट इज़ पावरफुल सो स्टार्टअप आइडिया नंबर वन एट टेक स्टार्टअप आइडिया नंबर टू पर्सनल फाइनेंस मैं खुद हर ट्यूसडे को यूट्यूब पे पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस बनाता हूं और उसके चलते मैं आपको बता सकता हूं अगर एक चीज है जो हर एक इंसान समझना चाहता है लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो समझते हैं वो है पैसा फाइनेंस मैनेजिंग देयर मनी एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टार्टअप पूरा डोमेन जो एक्सप्लोर कर सकता है वो है पर्सनल फाइनेंस खास करके फॉर टीन

कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं विच इज़ जस्ट एजुकेशनल जैसे मैं करता हूँ पर्सनल फाइनेंस में आप टूल्स ऐसे बना सकते हैं जिसके थ्रू लोग पैसे सेव कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं देर आर लॉट्स ऑफ ग्रेट वेरी इंटरेस्टिंग एप्स जो मैंने अभी तक जाने हैं सीखे हैं विच मेक्स इट ईजी फॉर यंग किड्स एंड यंग अडल्ट टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी सेविंग इन्वेस्टिंग तो ये सारे तरीके All of this is part of personal finance. I think it's a brilliant, brilliant segment to be in. And if you can crack this space, there is money to be made like nothing else. Startup idea number 3 food ya agri tech. Food to is desh ki buniyad hai खाना नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. Food delivery apps तो exploit कर ही चुके हैं. लेकिन बहुत ही competitive space है. तो मैं उसने नहीं suggest करूँगा. लेकिन उसका एक backend है, which is the supply side. एक जोमाटो और एक स्विगी अगर फूड डिलीवर करता है तो वो फूड कहीं से पिक कर रहा है कहाँ से रेस्टोरेंट से लेकिन रेस्टोर होना आज की डेट में इज़ नॉट एज ल्यूक्रेटिव एज इट यूज टू बी लोगों ने जाना बहुत कम कर दिया है शायद कभी वापस चेंज भी नहीं होगा एंड दैट्स वाई देर अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड किचन्स क्लाउड किचन्स वो किचन्स होते हैं जो कि किसी रेस्टोरेंट को सर्व नहीं कर रहे होते लेकिन सिर्फ ऑर्डरिंग या फूड डिलीवरी को सर्व कर रहे होते हैं एंड दैट इज अ ग्रेट स्पेस टू बी अगर आप एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जिसका खाना बहुत अच्छा है प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव है पैकेजिंग बहुत अच्छी है देन विद अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट यू कैन क्रिएट दिस इंटायर बिजनेस एंड मेक इट इंटू अ स्टार्टअप विच इज कंप्लीटली टेक एनेबल्ड एंड इज डून इन दी फूड डिलीवरी स्पेस एग्री टेक अन अदर इंटरेस्टिंग स्पेस दोनों लिंक्ड हैं इसलिए इनको एक ही में बनाया है एग्रीटेक मीन्स कि आप फूड प्रोडक्शन फूड डिलीवरी फूड मेंटेनेंस एंड फूड ग्रोथ को कैसे मैनेज कर सकते हैं वट एवर द केस में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है बहुत सारे लोग हैं जो पेस्टिसाइड फ्री केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री खाना खाना चाहते हैं एंड दे डोंट फाइंड इट ईजी टू गेट इट और इट्स इंसेनली एक्सपेंसिव तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना फार्म बना रहे हैं या फार्म रेंट कर रहे हैं मेरी वाइफ एक ऐसे ही स्टार्टअप में काम करती है विच अलाउस पीपल टू रेंट आउट फार्म लैंड्स छोटे छोटे पीसेस टू ग्रो देयर ओन फूड वो सब कुछ संभालते हैं तो आप लिटरली जाके एक ज़मीन किराए पे लेंगे बहुत ही सस्ते में एंड देन यू गो अबाउट टेलिंग देम कि ये ये मुझे सब्जियाँ चाहिए एंड दे विल प्रोड्यूस इट फॉर यू इवन डिलीवर इट टू योर डोर स्टेप प्रमोशन नहीं है इसलिए मैंने नाम भी नहीं लिया सिमिलरली फूड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा पेन एरिया है हिंदुस्तान का इतना सारा खाना बनता है खाना भी नहीं मतलब उपज एंड वेस्ट हो जाती है बिकॉज स्टोरेज इज नॉट गुड ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट गुड सप्लाई चेन इज नॉट प्रूवन तो उसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं दैट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी फूड एंड एग्रीटेक स्टार्टअप आइडिया नंबर स्टार्टअप आइडिया नंबर चार कॉन्टेंट और कॉन्टेंट क्यूरेशन कॉन्टेंट हैज एक्सप्लोर दो हजार बीस में हमने जितना नेटफ्लिक्स क्यूमुलेटिवली देखा है आज तक नहीं देखा था आप सब लोग जानते हैं

बहुत सारे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस के तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब क्लिनिकली ऑन द डॉट हर महीने हर हफ्ते एक वेब सीरीज या एक प्रोडक्शन विच इज डूइंग रेरी वेल कॉन्टेंट क्यूरेशन समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो पहले कभी हो नहीं सकता था इतना सारा कॉन्टेंट बन चुका है कि लोगों को अब एक क्यूरेशन या एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म चाहिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक तरीका बताइए जिससे कि मैं अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकता हूं तो योर फर्स्ट रिएक्शन विल बी गूगल पर जाके सर्च करिए लेकिन जब आप गूगल पर जाके आजकल कर सर्च करते हैं तो इतने सारे वेब पेजेस सब कुछ कुछ ना कुछ बेच रहे हैं आपको सो यू डोंट नो व्हिच मींस देर इज एक्चुअली बिजनेस टू बी क्रिएटेड जहां आप लोगों के सवालों का सिंपल सा जवाब दे रहे हैं एंड क्यूरेटिंग ऑल द बेस्ट कॉन्टेंट सो आप कॉन्टेंट खुद नहीं बना रहे हैं। लेकिन आप सबसे बेस्ट कंटेंट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करके लोगों को दे रहे हैं एंड दैट विल बी इनफ फॉर पीपल फॉर पे फॉर इट इतने सारे ब्रिलियंट वीडियोस हैं यूट्यूब पे ऑन से हाउ टू सेव टैक्सेस तो मैं क्यों एक नया वीडियो बनाऊ ऑन हाउ टू सेव टैक्सेस अगर आपको सेव टैक्सेस के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए तो माई जॉब एज अ स्टार्टअप विल बी क्यूरेट एंड सिलेक्ट द बेस्ट कॉन्टेंट ऑन सेव टैक्सेस वेदर इट्स इीडियो या एक आर्टिकल या कोई पोस्ट या कोई कुछ भी एंड गिव इट टू यू इन अ कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिबल फैशन एंड दैट इज अजनेस इट सॉल्व कॉन्टेंट और कॉन्टेंट क्यूरेशन नंबर पांच गेमिंग गेमिंग बहुत बड़ी बन चुकी है और 2021 में मेरा प्रोडिक्शन है बहुत ज़्यादा और बड़ी होने वाली है एंड गेमिंग डज नॉट नेसेसरली मीन बहुत बड़ी बड़ी एक्स्ट्राविगेंट गेम्स छोटी छोटी एंटरटेनमेंट पर्पजेस की गेम्स भी बहुत बड़ी हो सकती हैं एंड हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों के लिए गेम्स बहुत बड़ी हो सकती है अगर आप यंग एडल्ट्स के लिए बनाएंगे तो वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी सेल्फ है तो गेमिंग एज अ इंडस्ट्री बहुत ही लोक्रेटिव है इन 2021 ट्वेंटी वन एज अ स्टार्टअप आइडिया इसके लिए डोंट थिंक कि आपको बहुत सॉलिड एक टेकी बनना पड़ेगा या बहुत सारा गेम डेवलपमेंट में स्पेंड करना पड़ेगा बिकॉज जो सबसे बेस्ट गेम्स हैं हाँ वो बहुत महंगी बनती हैं और बहुत साल लग जाते हैं बनने के लिए एज आई सेड छोटा सोचिए एंड सिंपल सोचिए हिंदुस्तान के प्ले स्टोर पे सबसे बड़ी गेम कौन सी है लूडो लूडो एक ऐसी गेम जो आप और मैंने बचपन में कितनी बार खेली है लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेम बनेगी और वो है स्टार्ट सिंपल थिंक सिंपल ये पांच स्टार्टअप आइडियाज एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट अगर इन पांचों में से कोई भी आइडिया अगर आपके पास है जिसमें आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका आइडिया इन पांचों में से एक होना चाहिए और अगर होगा तो आप में से एक लकी विनर सिलेक्ट होगा जिसके साथ मैं बिताऊंगा तीस मिनट गाइडिंग यू इन हाउ यू कैन थिंक अबाउट योर स्टार्टअप अगर स्टार्टअप आइडिया बहुत बढ़िया भी रहा तो शायद इन्वेस्टिंग भी हो सकती है तो प्लीज अपने स्टार्टअप आइडिया के साथ कॉमेंट करिए इट हैज बी वन अमंग्स दीज फाइव एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो अंकुर साइनिंग ऑफ अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले